नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले एनडीए 2024 के ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इसको आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2024 है। तो इस पीरियड के अंतर्गत आपको अपना आवेदन कर देना है, और जो इसमें सेंटर है वो लिमिटेड रहते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी जो है देर नहीं करनी है। अगर आपको मनपसंद सेंटर चाहिए तो जल्द से जल्द आवेदन करना है। इसकी परीक्षा 21 अप्रैल 2024 को जो है उन्हें जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आप देख सकते हैं, टोटल जो है 400 पोस्ट पर भर्ती होगी। तो चलिए दोस्तों, इसका आवेदन करना शुरू करते हैं। आपको बता दें, इसके आवेदन करने का लिंक आपको sarkarirezult.com और rojgarrezult.com पर मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको sarkarirezult.com पर मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरा दोस्तों, मेरे पास रजिस्ट्रेशन पहले से है, मैं यहाँ पे सीधा लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के लिए या तो आप अपना ईमेल या तो मोबाइल या तो ओटीआर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, और ये जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को भी एज इट इज आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ और अगले स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके ओटीआर आईडी आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और आपको जानना, आप इससे पहले कौन कौन से फॉर्म भर रखे हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री, न्यू प्रोफाइल, अपडेटेड प्रोफाइल, सब यहाँ पे आपको नेम दिख जाएगा, जहां से आप जो इसको चेंजेस कर सकते हैं। मेरा सबसे पहले आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी के करंट में जो जो फॉर्म चल रहे हैं वो सारे फॉर्म यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। हमको अप्लाई करना है यूपीएससी एनडीए यानी कि नाउ नेशनल डिफेंस अकेडमी एनए का फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से सेकंड नंबर पे, हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी नया फॉर्म आएगा तो इसका जो जो पोजीशन है वो जो है अप और डाउन हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले सामने नाम जो है जरूर चेक कीजिए कि जो आप एनए एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं वो सामने आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म को जो सेट कर लिया है आवेदन करने के। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पार्ट वन रजिस्ट्रेशन है, भाग एक के यहाँ क्लिक करें, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आपको अपने ओटीआर में कुछ भी बदलाव करना है तो आप यहाँ से अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं। जब आपका पार्ट वन कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ से आपका पार्ट टू का जो लिंक है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पर। जैसे आप पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो डिटेल्स आएगी, इसको आपको फॉलो अप करना है। यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर का साइज वगैरह दिया हुआ है, साइज को सेट करना है। साइज जो आपका देख सकते हैं 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। जो रिजुलेशन है 350x350 होनी चाहिए। हालांकि फोटो सिग्नेचर आप कैसे ऑनलाइन रिसाइज करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आईडी प्रूफ आपको पीडीएफ में अपलोड करना है ये भी कैसे करेंगे सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ यस वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप जैसा बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन में डाली गई सारी जानकारी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेट करनी है। कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे ऑप्शन है, लेकिन एक चीज बता दें, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट, उसका नंबर सर्टिफिकेट का जो आपको जिसने जारी किया वो सर्टिफिकेट की डेट भी जो है देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में पास और अपेयरिंग दोनों का ऑप्शन उपलब्ध है। आपका जो है यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है जो आप 10+2 पास है लेकिन फिजिक्स जो है आपके उसमें सब्जेक्ट में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि आप 10+2 पास है, उसमें आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलिए आपके उसमें है। तो यहाँ पे मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस हो वो पूरा और एड्रेस आपको दे देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। नेक्स्ट आपको अपना पिन कोड डाल देना है। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और अगले स्टेप पे आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको जो है आईडी प्रूफ का डिटेल्स देना है। आईडी प्रूफ में अपने स्कूल आईडी है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, और आप जो है मैं तमाम तरीके का ऑप्शन है जो भी चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है दे देता हूँ। तो अगर आपको आधार कार्ड दे दो तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे वो चीज आपको वहाँ पे जो बाद में अपडेट भी करनी पड़ेगी, मतलब कि स्कैन करके भी आपको लगाना पड़ेगा। स्कैन फाइल जो है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बनाने में दिक्कत आए तो आप हमारी वेबसाइट sarkarirezult.com से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से यहाँ से आप जेपीजी से पीडीएफ बना सकते हैं। इमेजी साइजर भी है जिसमें आपको जो यूपीएससी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे पर्टिकुलर फोटो और सिग्नेचर का साइज आप फिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेट करने वाले आपको उसको अपलोड करना है, जैसे फायदा
अप्रूव हो जाएगी, यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा, यहाँ पे आप प्रेफरेंस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस आपको एक दो तीन चार जैसे सेट करना हो वो सेट कर सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। इस प्रीव्यू को आपको अच्छे तरीके से चेक करना है, चेक करने के बाद यहाँ जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को एडिटेज डालना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना। लेकिन आई एग्री पे क्लिक करने से पहले पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपको अच्छी तरीके से चेक करना है, अगर कुछ भी गलत है तो उसको सुधार करना है, उसके बाद ही जो है यहाँ पे करना है मेरा सब कुछ सही है, हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं। जैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आप वापस शायद डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, तो आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्री एग्जामिनेशन फीस करना, जो भी HC ST महिला अभ्यर्थी उनको प्री एग्जामिनेशन फीस नहीं करना हुआ, यहाँ से सीधा जो है उनको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे अपना सेंटर सेट करना है। सब होने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बता दें फोटो सिग्नेचर को सेट करने का जो आपको रिसाइजिंग करने का जो तरीका है वो सरकारी रिजल्ट टूल्स पे दिया हुआ है। यहाँ पे ईमेल रिसाइजर के अंदर जाएंगे जहाँ पे आपको टूल्स में आपको पर्टिकुलर साइज दिया हुआ है, यहाँ से हम UPSC की फोटो और सिग्नेचर को सेट कर सकते हैं ताकि वो एक मिनट के अंदर आपकी लग जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।